दोस्तों, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माय सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का साहित्यिक हिंदी का एक चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों विभक्ति। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। दोस्तों, इसका ऑलरेडी मैं एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके आसानी से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, एक बात और, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, और इसे शेयर भी करते रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाएंगे, अब सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि चतुर्थी विभक्ति होता क्या है। दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको 3 विभक्ति पढ़ा दिया था, और चतुर्थी विभक्ति क्या है दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति किसे कहते हैं, इसका सूत्र होता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वलंगी युगाच। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलंगी युगाच, इसका सूत्र होता है दोस्तों। पर इसकी पहचान भी वही है दोस्तों, अगर किसी भी लाइन में नमः शब्द मिल गया, स्वस्ति शब्द मिल गया, स्वाहा शब्द मिल गया, स्वधा शब्द मिल गया, अलम शब्द मिल गया, वसट शब्द मिल गया, तो वो दोस्तों बनता है चतुर्थी विभक्ति। और चतुर्थी विभक्ति की पहचान क्या होती है दोस्तों, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अवलंगी युगाच, इसका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण में कह रहा है विष्णवे नमः, और इसमें अगर पूछ ले कि विष्णवे में कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ देखिए दोस्तों नमः शब्द आ गया, तो नमः शब्द मिल जाए तो कौन सी विभक्ति बनती है दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति बनती है। अगला देखिए आग्ने स्वाहा, आग्ने में कौन सी विभक्ति है, यहाँ देखिए स्वाहा शब्द आ गया, तो स्वाहा शब्द आता है तो कौन सी विभक्ति बनती है, चतुर्थी विभक्ति बनती है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको चतुर्थी विभक्ति क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर किसी भी लाइन में नमः शब्द आ जाए, स्वस्ति शब्द आ जाए, स्वाहा शब्द आ जाए, स्वधा शब्द आ जाए, अलम शब्द आ जाए, वसट शब्द आ जाए, तो वो होता है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति। अगला देखिए दोस्तों, पंचमी विभक्ति क्या है दोस्तों, पंचमी विभक्ति का सूत्र होता है दोस्तों ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम। और ये होता है क्या है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या वस्तु से अलग हो तो उस परिस्थिति में पंचमी विभक्ति कहलाता है। दोस्तों देखिए, पंचमी विभक्ति क्या है, ध्रुवम पाए अपादानम, ये कह रहा है वृक्षाति पुष्पाणि पतन्ति, वृक्षों से पुष्प गिरते हैं, तो जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, जब वो वृक्षों से गिरते हैं तो वृक्षों से क्या हो रहे हैं दोस्तों, अलग हो रहे हैं, और अलग होने की सिचुएशन में, अलग होने की परिस्थिति में वह होता है पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति का सूत्र होता है दोस्तों ध्रुवम पाए अपादानम। एक और देख लीजिए दोस्तों, जैसे कह रहा है सह कुपात जलम आनयति, इसे पूछ लिया कुपात में कौन सी व्यक्ति है, सह कुपात जलम आनयति, वह कुएं से जल लाता है, ये बताइए वह कुएं से जल लाता है, कुएं से जल को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो जल को अलग कर रहा है, तो अलग करने की स्थिति में कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पंचमी विभक्ति भी समझ में आ गया होगा। अगला देखिए दोस्तों, ये सबसे आसान है, षष्ठी और सप्तमी, ये इम्पोर्टेंट में भी रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, षष्ठी विभक्ति क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताया जाए तो उसी को हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी सबसे मतलब इसका जो सूत्र है वो है षष्ठी से, इसका सूत्र होता है षष्ठी से। तो इसका उदाहरण क्या है, सुदामा कृष्णस्य मित्रम आसी, सुदामा कृष्ण के मित्र थे, ये बताइए सुदामा का कृष्ण के साथ क्या था, एक संबंध था, और किस चीज का संबंध था, तो मित्र का संबंध था। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से बताया जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है क्या, षष्ठी विभक्ति। ठीक है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति क्या होता है दोस्तों, सप्तमी विभक्ति का सूत्र होता है यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम, और इसकी पहचान होती है दोस्तों श्रेष्ठ, अगर किसी भी लाइन में श्रेष्ठ शब्द मिल गया तो वो दोस्तों सप्तमी विभक्ति होती है, और अगर आपको नहीं आ रहा है सप्तमी विभक्ति दोस्तों, तो आप षष्ठी विभक्ति भी लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, छात्रेषु राकेशः श्रेष्ठ, छात्रों में राकेश श्रेष्ठ, यहाँ देखिए दोस्तों श्रेष्ठ शब्द मिल गया, तो हमने आपको बताया दोस्तों श्रेष्ठ शब्द जब आ जाता है जिसमें, वो बनता है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति नहीं याद है तो आप षष्ठी विभक्ति लिख दीजिएगा,
और वहां पे सूत्र लिख दीजिएगा षष्ठी से। और अगर आपको पहचान नहीं आता कि हाँ श्रेष्ठ शब्द है तो श्रेष्ठ शब्द सप्तमी विभक्ति में आता है तो वह उसका सूत्र होता है यतस्य निर्धारणम, तो आपका सप्तमी विभक्ति लिख देंगे तभी भी नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप दोस्तों मुझे लगता है कि आपको चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति समझ में आ गया होगा। अब आगे से आपको विभक्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।